गुड आफ्टरनून सर, हमने आपको असेंडिंग ऑर्डर पढ़ाया था, आज हम डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ेंगे। राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में छोटी संख्या से स्टार्ट होकर बड़ी संख्या तक जाते हैं, वो हमारा क्या था? असेंडिंग ऑर्डर था। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? जो हमारा बड़ी संख्या से स्टार्ट होकर छोटी संख्या तक जाता है, ये हमारा घटते क्रम होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें सबसे बिगर नंबर कौन सा है। तो हमारा सबसे बिगर नंबर 38 है। तो फर्स्ट बॉक्स में हम क्या लिखेंगे? 38। उसके बाद उससे छोटी संख्या कौन सी है? 32। उससे स्मॉल 29। उससे स्मॉल 24। ओके, अब देखिए सेकेंड नंबर में सबसे बिगर नंबर हमारा कौन सा है? 40। तो फर्स्ट बॉक्स में 40, उससे स्मॉल 39, उससे स्मॉल 27, उससे स्मॉल हमारी कौन सी है? 21। ओके, थर्ड नंबर, इसमें सबसे बिगर नंबर हमारा कौन सा है? 40। तो 40 से स्टार्ट करते हैं। 40 से स्मॉल 30, 30 से स्मॉल 29, 29 से स्मॉल हमारा 27। फोर्थ नंबर, इसमें सबसे बिगर नंबर हमारा कौन सा है? 35। उससे स्मॉल 33, उससे स्मॉल 29, उससे स्मॉल हमारा 23। ओके, अब देखते हैं फिफ्थ नंबर, इसमें सबसे बिगर नंबर कौन सा है? 30। तो 30, उससे स्मॉल 27, उससे स्मॉल 24, उससे स्मॉल हमारा 20। ओके, सिक्स नंबर, सबसे बिगर नंबर 40, उससे स्मॉल 36, उससे स्मॉल 34। तो इसके बाद सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है हमारा? 21। सेकंड नंबर देखते हैं, इसमें सबसे बिगर नंबर हमारा कौन सा है? 39। उससे स्मॉल 31, उससे स्मॉल हमारा 24, उससे स्मॉल हमारा 21। एट नंबर देखते हैं, सेम उसी तरह, इसमें सबसे बिगर नंबर कौन सा है? 37। उससे स्मॉल 36, उससे स्मॉल 34, उससे स्मॉल हमारा, सबसे स्मॉल नंबर हमारा कौन सा होगा? 32। ओके स्टूडेंट, इसको आप